good morning students in previous video we started reading of chapter first that is food and its sources we already read page number 11 and 12 today we will read page number 13 and 14 so students open your book पेज नंबर थर्टीन लेट्स स्टार्ट रीडिंग सोर्सेस ऑफ फ़ूड डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर आवर फूड आर ओपटेन फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल्स जैसा कि आप सभी को पता है जो भी हम फूड खाते हैं वो या तो हमें प्लांट्स से मिलता है या एनिमल्स से मिलता है तो पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो फूड जो हमें प्लांट्स से मिलता है फूड फ्रॉम प्लांट्स यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड बाई ए प्रोसेस कार्ड फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर हैंस प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स प्लांट्स प्रोड्यूस मोर फूड than रिक्वायर्ड फॉर themselves. so सो प्लांट्स स्टोर द एक्स्ट्रा फूड इन वेरियस such सच एज रूट्स flower, फ्लावर लीव्स फ्रूट्स एंड सीड्स जैसा कि बच्चों आप सभी ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि प्लांट्स क्या कर सकते हैं अपना फूड खुद बना सकते हैं किस प्रोसेस से फोटोसिंथीसिस से किसका यूज़ करके सनलाइट का कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का इसलिए हम प्लांट्स को क्या कहते हैं प्रोड्यूसर्स क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर्स क्यों बोलते हैं क्योंकि वो अपना फूड खुद बना सकते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो उनको जितना रिक्वायर्ड फूड है उससे वो ज़्यादा ही बनाते हैं और क्या करते हैं उस प्लांट को स्टोर करके रख लेते हैं अपने वेरियस पार्ट में जैसे रूट में स्टेम में फ्लावर में या फ्रूट में एनिमल्स ऑन द अदर हैंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड एंड डिपेंड अपॉन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड हैंस एनिमल्स कॉल्ड कंज्यूमर्स हमारे पास एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या कर सकते वो अपना फ़ूड खुद नहीं बना सकते वो क्या करते हैं डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए किस पे या तो प्लांट्स पे या फिर अदर एनिमल्स पे इसलिए एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स क्यों बोलते हैं क्योंकि वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते बल्कि दूसरों पे डिपेंड करते हैं प्लांट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक सोर्स ऑफ फ़ूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एज ए होल their different parts are used as food. Plants provide us vitamin, so plants form an important part of our diet. Eating a variety of vegetables and fruit protect us from many diseases. आपको पता है प्लांट हमारे लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों क्योंकि हमारा जो मोस्ट फूड है वो हम कहाँ से ऑप्टेंड होता है प्लांट से अब हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट से के वेरियस पार्ट से हमें कौन कौन सा फूड मिलता है फर्स्ट है हमारे पास फूड फ्रॉम रूट्स सम प्लांट्स सच एज कैरेट रेडिस टनि बीट एंड स्वीट पटाटो स्टोर फूड इन देयर रूट्स दीज रूट्स आर रीच इन स्टार्ट एंड और कॉल्ड मोडिफाइड रूट्स दीज रूट्स कैन बी इटन रो और कोक फिगर वन पॉइंट थ्री शो समूड अब फूड फ्राम रूट्स में क्या आता है वो प्लांट्स जिनकी हम क्या खाते हैं रूट को खाते हैं और वो अपना फूड किस में स्टोर करके रखते हैं एक्स्ट्रा रूट्स में और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास कैरेट रेडिश टर्निप टर्निप क्या होता है बेटा सलगम अब आपके पास एग्जाम्पल वन पॉइंट थ्री फिगर में शोन भी कर रखे हैं अब नेक्स्ट है हमारे पास फूड फॉम स्टेम्स अब स्टेम्स में क्या है आपके पास स्टेम्स ऑफ मैनी प्लांट्स आर ईटन एज फूड इन सम प्लांट्स सच एज पटैटो टर्मिर जिंजर द स्टेम्स आर फाउंड बिलो द सोइल दी स्टेम्स आर कॉल्ड Underground stems. Underground stems are modified for the storage of food. Figure 1.4 shows the underground stems ab isme अब इसमें क्या है आपके पास ये वो jinka हैं जिनका हम तना खाते हैं hota क्या होता है तना hai क्या है इसका पटैटो है आपके पास टर्मरिक जिंजर ये सारे कौन से प्लांट हैं जिनका हम स्टैम खाते हैं ठीक है और फिगर में आपको शो भी कर रखा है अब ने अब नेक्स्ट है आपका फूड फ्रॉम फ्लावर्स फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज कॉली ब्रोकली एंड बनाना आर आल्सो ईटन एज फूड अब इसमें क्या है आपके पास वो प्लांट जिनका हम फ्लावर पार्ट करते हैं खाते हैं एग्जाम्पल है इसका कॉली और ब्रोकली। नेक्स्ट है आपका फूड फ्रॉम लीव्स लीव्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज कैबेज लेटस स्पेनिच मस्टर्ड एंड फैन ग्रिक आर इटन एज फूड लीवस ऑफ मिंट एंड कॉरियडर आर यूज इन मेकिंग चटनी एंड फॉर गार्निशिंग मिंट इज एन हर्बिशियस प्लांट एंड हैज़ मैनी मेडिशनल प्रॉपर्टी फिगर वन पॉइंट सिक्स ऑन सम कॉमन प्लांट लीवस इटन एज फूड अब फूड फ्रॉम लीवस में क्या आता है वो प्लांट जिनके हम लीव वाले पार्ट को खाते हैं मतलब जिनके हम लीव्स खाते हैं एग्जांपल आपको पता भी है कैबिज है पत्ता गोभी लेटिस क्या होते हैं सेलेड वाली सब्जी स्पिनेच क्या है आपके पास पालक मस्टर्ड फैंग्रिक क्या है मेथी इनका हम कौन सा पार्ट करते हैं लीव वाला पार्ट और मिंट और कोरिएंडर का भी किस लिए यूज़ करते हैं चटनी बनाने के लिए या फिर फूड की डेकोरेशन के लिए नेक्स्ट है आपके पास फूड फ्रॉम फ्रूट्स अब मैनी प्लांट सच एज गवावा एप्पल एंड स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन देयर फ्रूट्स वेजिटेबल सच एज टोमेटो ब्रिंजल एंड पम्पिन आर एक्चुअली द फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स अब फूड फ्रॉम प्लांट्स में क्या आते हैं वो प्लांट्स जिनका हम फ्रूट वाला पार्ट खाते हैं वो कौन से हैं हमारे पास सारे फ्रूट्स uh, हो गए जैसे गवावा एप्पल मैंगो और साथ ही साथ कुछ वेजिटेबल्स जैसे टमाटो है पम्पकिंग क्या होता है कद्दू इन उनका भी हम क्या करते हैं कौन सा पार्ट खाते हैं फ्रूट वाला पार्ट अब हमारा नेक्स्ट है फूड फ्रॉम सीड्स सम प्लांट्स स्टोर फूड इन सीड्स वी ईट दिस सीड्स एज स्टैपल फूड

स्टेपल फूड भी है अब स्टेपल फूड क्या होता है हमारा हमने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था एक स्टैपल फूड वो होता है जिसको हम डेली बेसिस पे खाते हैं और हमारे लिए ज़रूरी भी हैं हमारे पास इसमें कौन से आते हैं सारे अनाज और दालें अब वीट मेज़ राइस इनको तो हम क्या बोलते हैं सीरियल सीरियल्स क्या होता है अनाज और हमारे पास जो ब्लैक ग्राम मतलब काना चना रेड लेंटस मसूर की दाल पिजन पी किडनी बीन्स ये क्या है हमारे पास इनको बोलते हैं पलसीस और और दालें सो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू हैव हैवे नाइस डे